कैसे कैसे होगा यार, कैसे कटेगी जिंदगी आगे 1.5-2 साल। सो फाइनली मेरा हेयर कट हो गया है। हेयर कट अच्छा लग रहा है वैसे तो, है नहीं? पर कैसे, अभी तो लॉकडाउन था, नहीं खुल गया लेकिन सलून नहीं खुले। पर सलून नहीं खुले तो मेरे बाल कैसे कटे? आज के ब्लॉग में आपको यही सब बातें मैं बताऊंगा। और कितनी दिक्कतें आई, मतलब आपको मैं बता नहीं सकता कि ये जो कोरोना एज आई है इसके अंदर हम लोग कितने ज़बरदस्त तरीके से परेशान हो गए हैं। और एक छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए, बाल कटवाने के लिए भी इतनी दिक्कत कैसे आ सकती है, और जो ये काम करते हैं उनको कितनी दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। और उसके बाद में वीडियो के एंड में आपको मैं दूंगा एक सरप्राइज, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, काफ़ी लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बट तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। किस तरह अपने को दिक्कत आती है, किस तरह से मैंने अपना हेयर कट किया और क्या क्या मुझे दिक्कतें आई उसके बारे में। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैं हूँ आपका अपना राहुल शर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, लेट्स स्टार्ट। फाइनली वो दिन आ गया जिसका इंतजार था, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं, पर ये देखिए जितने भी बाल हैं इनके कटने का टाइम आ गया है। लेट्स सी हाउ इट गोस। तो फाइनली हेयर कट के लिए मैं पहुंच गया हूँ। कहाँ पे मुझे ये दे दिया गया है, ये पाँव में पहनने के लिए। दिस इज सिमोन एंड यू कैन सी हाउ माय स्टाइलिस्ट इज लुकिंग राइट नाउ। आई कैन ओनली लाफ ऑन यू, आई एम सॉरी आई एम डूइंग दैट। Hugs and kisses are not allowed right now. Hello, hi Rahul. Hello, Simon. So, कैसा लग रहा है ये सूट पहन के, कैसा लग रहा है? Amazing, your face. So. सिमोन जो है आज मुझे क्या 5-6 साल हो गए हमको एक दूसरे को जानते हुए, और 6 साल में हम लोग पहली बार, जैसा कि इस पूरी दुनिया देख रही है, हम लोग भी ऐसा ये दौर देख रहे हैं। और इसमें देख लीजिए ऐसा लग रहा है स्पेसशिप में जाने वाले हम सब लोग अभी। अब बिल्कुल मुझे भी यही लग रहा है। यस, एस्ट्रोनॉट फीलिंग आ रही है, एस्ट्रोनॉट। ऑपरेशन थिएटर, इट फील्स लाइक दैट। आप कैसे करोगे? मास्क निकालना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। कोई ऑप्शन नहीं, कैसे होगा हेयर कट ही कैसे? हेयर कट कैसे होगा, मास्क निकाले बिना कैसे होगा? एक्चुअली लड़कियों के बाल तो लंबे होते हैं ना, मेरे तो छोटे से हैं। तो आई विल शो यू द लुक, कौन सा वाला करना है। पहला याद तो नहीं होगा ऑब्वियसली, मैं दिखा सकता हूं। कम से कम हेयर कट तो हो पा रहा है, वैक्सिंग करने के लिए तो आपका आई कांट वेयर अ मास्क, ट्रेजेडी। थैंक यू सिमोन। ऐसे काम करना तो बड़ा मुश्किल है यार।
कैसे कैसे होगा यार, कैसे कटेगी जिंदगी आगे 1.5-2 साल। सरप्राइज, आई नो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, कुछ लोगों को आया, डोंट वरी ये भी हट जाएगा, 2-4 दिन की बात है। देखो शूटिंग शुरू होने वाली है प्यार की लुका छिपी की, और इसीलिए गया था मैं हेयर कट के लिए, और आपने देखा कितनी तकलीफ हुई हेयर कट के लिए मुझे। मतलब सोचो यार, बाल कटवाना, अपन छोटे शहरों में तो नाई के पास जाते हैं तो तुरंत बाल कट जाते हैं, कुछ भी ज़्यादा टेंशन वाला काम है ही नहीं, नुक्कड़ में बैठता चलो यार चलते चलते बाल कटवा लिए, मूछ दाढ़ी ट्रिम करवा ली, कुछ भी कर लिया। लेकिन इस कोरोना एज में बाल कटवाना मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कोई मिशन पे निकला हूँ, और लिटरली मिशन जैसा फील हुआ यार। मतलब पीपी किट पहनकर सिमोन जो कि 20 साल से काम कर रही है, 6 साल से मैं उनके साथ में हूँ, वो इतना अच्छा हेयर कट करती है, मुझे पहली बार देखकर ये लगा कि सिमोन को बड़ी दिक्कत हो रही है बाल काटने के लिए, क्योंकि ग्लव्स पहन के कैंची तक नहीं चलाई जा रही थी। तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने मैनेज किया, थोड़ा बहुत जितना भी हेयर कट हो पाया उतने मैनेज किया, ट्रिमर नहीं मिल नहीं रहा था, या कहाँ चीज़ें हैं वो नहीं हो रहा था, ब्लो ड्राई आप नहीं कर सकते गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से। देन उसके बाद जो है, आप वैक्सिंग ग्लव्स पहन के कैसे करोगे, मतलब वो एक जनरल डिस्कशन जो आपने देखा चल रहा था कि वैक्स भी नहीं कर पा रहे अभी, तो वैक्स मतलब हाथ में ग्लव्स पहन के नहीं हो पाएगी, वो हाथ लगाना ही पड़ेगा। देन आपका जो है वो सैनिटाइज कर रहे हैं, हर चीज़ को सैनिटाइज करना पड़ता है, हर बार कोई भी आया गया, एक बार में 2 लोग आ सकते हैं। तो ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो इन सब प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं इस टाइम पे। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो अपने बिजनेस में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस कोरोना एज के साथ में किस तरह जिए, किस तरह हम लोग मैनेज करें, किस तरह एक नया तरीका निकालें जीने का और चीज़ों को ठीक करने का, या चीज़ों को वापस से ट्रैक पे लाने। तो अब मैं भी सेट पर जाने वाला हूँ जल्दी ही, और उसके लिए मैंने शॉपिंग भी कर ली है इन्हीं सब प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए कि क्या क्या प्रिकॉशन मुझे लेनी है। शॉपिंग का वीडियो भी इसके बाद मैं डालने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की और क्या क्या असेंशियल्स आपको भी लग सकते हैं अगर आप कहीं ऑफिस में जा रहे हैं या अपने काम पे जा रहे हैं, तो आप किस तरह से अपना ख्याल रख सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स मैं आगे लेकर आने वाला हूँ, ये पहला व्लॉग है जिसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मैंने प्रॉब्लम फेस की वो आपके साथ शेयर की। आगे भी ऐसे ही चीज़ें मैं करता रहूँगा, सेट पर जब मैं जाऊँगा तो किस तरह काम कर, बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है कि किस तरह हम एक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमको सब चीज़ें छूनी पड़ती हैं, मास्क हम लगा नहीं सकते, ग्लव्स हम पहन नहीं सकते, और हमारे लिए बहुत रिस्की है ऑलरेडी, बट उसमें भी किस तरह से प्रिकॉशन लेके हम काम करेंगे, बिकॉज काम करना है उसका कोई वो नहीं, आपको एंटरटेन जो करना है। तो मैंने ऑलरेडी सोची है कुछ चीज़ें, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा मोस्टली नेक्स्ट टू नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आपका अपना राहुल शर्मा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस, टेक केयर।